नमस्कार, मैं आंचल आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल हेल्थ मीटर में। आज की वीडियो में मैं बताऊंगी, जैसे कि कल प्रदोष व्रत है, 2 मई वीरवार के दिन प्रदोष व्रत है, तो इस दिन व्रत रखने से बहुत ही अच्छे फल मिलते हैं। भोले बाबा प्रसन्न होकर हमारी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। लेकिन अगर किसी कारणवश आप व्रत नहीं रख सकते, तो मैं आज एक ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ, आप हर प्रदोष व्रत पर केवल ये 2 चीज़ें दान करने से ही आपको प्रदोष व्रत का फल मिलेगा। इसके अलावा मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि हमारी हर प्रॉब्लम का सलूशन हमारी कुंडली में दिया होता है। कर्जा है, संतान नहीं हो रही, विदेश जाना चाहते हैं, या फिर आपकी हस्बैंड वाइफ में झगड़ा है, तो हर चीज़ का हल हमारी कुंडली में है। सारी प्रॉब्लम्स हमारे ग्रह चाल की, जो ग्रह की चाल है, उल्टी होने की वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उपाय करने से सब ठीक हो जाता है। अगर आप कुंडली से रिलेटेड कोई भी सवाल हमसे पूछना चाहते हैं, तो नीचे दिए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि कौन से ऐसे उपाय हैं जिन्हें करने से आपको, जिन्हें केवल दान करने से आपको प्रदोष व्रत का फल मिलेगा और भोले बाबा प्रसन्न होकर आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करेंगे। जैसे कि कल 2 मई है, कल प्रदोष व्रत है, तो आप इन केवल 2 चीज़ों को दान कर दीजिए और आप देखेंगे कि आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। सबसे पहले आपको क्या करना है कि सुबह उठकर आपको प्रॉपर विधि से पूजा करनी है, जैसे प्रदोष व्रत की पूजा होती है, कथा कीजिए और शहद और दही से ज़रूर भोले बाबा को स्नान कराइए, जैसे स्नान कराते हैं वो कराइए, बट उसमें शहद और दही, ये 2 चीज़ें ज़रूर यूज़ करें। जो शिवलिंग को आप जल चढ़ाएंगे, तो ये 2 चीज़ें भी ज़रूर चढ़ाएंगे, शहद और दही। इसके अलावा आप क्या करेंगे, सूरज डूबने से पहले भोले बाबा का नाम लेकर आपको चने की दाल लेनी है। मात्रा आप अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं। चने की दाल लेंगे और आप लेंगे पीले लड्डू। चने की दाल आप किसी ज़रूरतमंद गरीब को दान कर देंगे और पीले लड्डू का भोग आप भोले बाबा को चढ़ाएंगे। जैसे कि वीरवार है, गुरुवार है, इसलिए आप अगर ये 2 उपाय कर लेंगे, तो आपको प्रदोष व्रत का फल मिलेगा। बिना व्रत रखे हुए आपको प्रदोष व्रत का फल मिलेगा। चने की दाल अपनी इच्छा के अनुसार मात्रा ले लीजिए, 0.5 किलो, 800 ग्राम, 1 किलो, जितनी आपकी इच्छा हो, और पीले लड्डू ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, जितनी आपकी इच्छा हो। चने की दाल तो आप किसी ज़रूरतमंद को दे देंगे और पीले लड्डू का भोग आप भोले बाबा को चढ़ाएंगे। बस ये केवल 2 सिंपल सी चीज़ें हैं जो आप दान करके इस व्रत का फल ले सकते हैं। और मैं कुछ बातें और भी बताना चाहूँगी कि व्रत के दिन, व्रत क्यों रखा जाता है, व्रत रखा जाता है कि हम पूरे दिन उस भगवान को याद करें, पूरे दिन उनका नाम सिमरन करें। तो इसके लिए भूखा रहना ज़रूरी नहीं होता, हम खाते पीते भी भगवान का नाम ले सकते हैं, उनका सिमरन कर सकते हैं। तो जिस दिन व्रत हो, उस दिन आप बिना व्रत रखे अगर प्रभु का सिमरन करते रहें, तो वो व्रत जैसा फल ही देता है। तो इस प्रकार आप रोज़ व्रत का फल उठा सकते हैं। केवल आपको करना क्या है, प्रभु का सिमरन करना है। और प्रभु का सिमरन आप काम करते करते भी कर सकते हैं। आप किचन में काम कर रहे हैं, प्रभु का जाप कीजिए। आप आटा मल रहे हैं, आप ऐसे सोचिए कि आप अपने प्रभु की टांगे दबा रहे हैं। आप कुछ भी कर रहे हैं, आपको अपने मन ही मन में सिमरन करना है। आप देखेंगे कि इससे आपके घर में कला कलेश खत्म होने लगेगा और आपकी हर मनोकामना पूर्ण होने लगेगी, और जो भी आपके हाथ का बना खाना खाएगा, वो एक शांत माहौल में, एक शांति से महसूस करेगा, बहुत अच्छा महसूस करेगा। तो ये थी कुछ बातें जो कि आपकी लाइफ को बदल सकती हैं। और इसके अलावा अगर आप कुंडली दिखाकर अपने उपाय जानना चाहते हैं, जो कि बहुत असरदार होते हैं, आपकी हर प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं, तो आप नीचे दिए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपके काम आए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल बटन को भी ज़रूर दबाएँ। मैं फिर मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।